एक्सेल की आज की क्लास में हम सब टोटल ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सब टोटल ऑप्शन आपको डेटा टैब में मिलेगा, यहाँ लास्ट में दिखाई देता है। सब टोटल ऑप्शन का यूज काफी जगह पर किया जाता है और इसको यूज यूज करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है कि आपका जो ये डेटा है वो फिल्टर होना चाहिए या सॉरी सॉर्टेड होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड है पहले से, यानी कि ए बी सी डी के हिसाब से ये सॉर्ट किया हुआ है। एन एन वाला एक साथ आ रहा है, एस वाला एक साथ आ रहा है, तो डेटा ऐसा सॉर्टेड होना चाहिए या सॉर्ट किया हुआ होना चाहिए, तब जा करके वो यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। या फिर मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट नहीं किया हुआ है। सबसे पहले आप डेटा को सॉर्ट कर लीजिए, डेटा सॉर्ट हो गया है, मार्केटिंग वाले सब एक साथ आ गए और सेल्स वाले सब एक साथ आ गए। अब हम सब टोटल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए पहले पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना है, डेटा टाइप में हम जाएंगे, सब टोटल पे सिंपल क्लिक कर देना है आपको। आपको पूछेगा कि आपका न्यूमेरिक फील्ड कौन सा है, तो यहाँ न्यूमेरिक फील्ड जो है वो सैलरी है, यानी सैलरी को सम करना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केटिंग वाला जो था उसका टोटल, मार्केटिंग का टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ सेल्स वाले का टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से आपको दे, और साथ ही साथ ग्रैंड टोटल भी आपको दिखाई दे। तो इस तरीके से मार्केटिंग वाले का टोटल है 48,500, सेल्स वाले का जो टोटल है वो है 36,000 और ग्रैंड टोटल ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये मार्केटिंग वाला जो डेटा है उनको एक ग्रुप कर दिया गया है, क्योंकि ये एक जैसे डेटा है इसीलिए सॉर्टिंग होना जरूरी है बोलते हैं। और ये इसको ग्रुप करने के बाद ये माइनस पे क्लिक करने पर ये डेटा जो है वो हाइड हो जाता है। यहाँ पर हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ग्रुप और अनग्रुप है, प्लस और माइनस से शो और हाइड होता है। तो ये मैं सभी माइनस पे अगर क्लिक कर दूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ग्रैंड टोटल अमाउंट ये दिख रहा है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए कि 84,500 कैसे आया। फिर जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मार्केटिंग से इतना आया और सेल्स से इतना आया। मार्केटिंग और सेल्स की डिटेल्स आपको दिख रही है। अब अगर मुझे मार्केटिंग की और डिटेल चाहिए कि मार्केटिंग से 48,500 कैसे आया, तो मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो उसकी और डिटेल में मिल जाएगी। इस ऑप्शन को भी काफी जगह रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है ताकि हम किसी सामने वाले को समरी रिपोर्ट दे सकें। समरी रिपोर्ट देने के बाद अगर उस सामने वाला डिटेल मांगता है तो उसकी तो हम इस तरीके से डिटेल दे करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसमें फाइनली जो ईयर वाइज रिपोर्टिंग की जाती है, लास्ट में रिपोर्ट बनाई जाती है। उस ऑप्शन को तैयार करने के लिए सब टोटल ग्रुप अनग्रुप ये जो आउटलाइन वाले ऑप्शन थे इनको यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हाइड डिटेल्स और शो डिटेल्स ये यहाँ से किया जाता है, साथ ही साथ ग्रुप अन ग्रुप का यूज भी किया जाता है। यहाँ पर ये डेटा जो मार्केटिंग वाला है वो ग्रुप किया गया है। यहाँ पर आपने देखा कि एक ही एग्जाम्पल में आपने सब टोटल देखा, ग्रुप देखा, अन ग्रुप देखा, शो एंड हाइड देखा, और इन सारे पूरे के पूरे ऑप्शन को हम आउटलाइंस कहते हैं, जो कि फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूज़